Lord Jesus, प्रभु यीशु, come, I, be with us, Lord, हमारे संग हो ले प्रभु. These dear ones have come to see you. प्रभु ये अजीज लोग तुझसे मिलने आए हैं. They have come to receive your blessing. प्रभु तेरे आशीष प्राप्त करने आए हैं. Come and speak to us, Lord. प्रभु आकर हमसे बातें करें. Heal every broken heart. हर एक टूटे हुए हृदय को ठीक करें. Heal every sick body. बीमार शरीर को चंगा कर. Lord, set free every demon possessed body and soul. प्रभु दुष्टात्मा से पीड़ित आत्मा प्राण को छुटकारा दे. Wipe away the tears of everyone. प्रभु प्रत्येक के आंसू को पोंछ दे. Give them joy and peace. प्रभु उनको आनंद और शांति प्रदान करे. Answer every prayer. प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर दे. Send your children with your richest blessing. आपके बच्चों को बहुतायत के आशीष से भेज. Now in a precious name, the name of Jesus, we bind every satanic power. उस अद्भुत यीशु के नाम में शैतानी कुवतों को बांध देते हैं. Speak, Lord. प्रभु बातें करें. We will listen. हम सुनेंगे. We thank you for your marvelous presence. तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Amen and amen. आमीन और आमीन. We shall read a portion from Matthew chapter 7, verse 11. मत्ती सातवीं अध्याय उसका ग्यारहवीं पद को हम पढ़ेंगे. Here God says like this. यहाँ पर परमेश्वर ऐसे बोलता है. If you then being evil, so know how to give good gift to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him. So, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा. We all come here to pray. हम सब यहाँ पर प्रार्थना के लिए आए हैं. Pray and receive God's blessing. प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें. This promise of God tells us what kind of God to whom we are praying. इस वायदे से हमें पता चलता है कि किस प्रकार की परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं. First it speaks about you and me. सबसे पहले आपकी और मेरे बारे में लिखा है. Here God says, यहाँ परमेश्वर कहता you है, people, you are evil people. तुम लोग तो बुरे हैं. Still you love your children. फिर भी अपने बच्चों से प्यार करते हो. The Bible says, बाइबल बताती है, Genesis chapter 6 and verse 5, उत्पत्ति छठी अध्याय पांचवी पद में, and Ecclesiastes chapter 7 and verse 29, सभा उपदेशक सातवीं अध्याय उनतीसवीं पद में, God made every man, every woman as a perfect person. परमेश्वर ने प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष को एक सिद्ध व्यक्ति बनाया. But after some time, लेकिन कुछ समय के बाद, after generations passed, जब पीढ़ियां समाप्त होते गई, they became evil in their heart. वो अपने हृदय में बुराई हो गए बुरकरने लगे. So the Lord Almighty says, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, you are basically evil people. और तुम मूल तौर से बुरे लोग हो. Mark chapter 7, 20-23 says, मरकुस सातवीं अध्याय 22 और 23वीं पद में लिखा है, It is from the heart of a man, evil things and evil thoughts emanate. मनुष्य के हृदय से बुरी बातें और बुरी विचार निकलता है. Psalm 116 verse 11, भजन संहिता 116 ग्यारहवीं पद, रोमन चैप्टर 3 एंड वर्स 4, रोमी तीसरी अध्याय चौथे पद, बोथ वर्सेस से एवरी मैन इज अ लायर, और दोनों पदों में लिखा है कि हर व्यक्ति झूठा है. सम टाइम अगो वी वर इन कनाडा, कुछ समय पहले हम कनाडा में थे. One night my son was preaching to a crowd like this. एक रात मेरा बेटा इस प्रकार के भीड़ से प्रचार कर रहा था. And the Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया. He began to call the names of the people whom God is touching. और लोगों का नाम पुकारने लगे जिनको परमेश्वर छू रहा था. When he called the name of a particular person, जब एक खास व्यक्ति के नाम को उन्होंने पुकारा, he said, sir, you are planning to murder somebody. उन्होंने कहा, श्रीमान आप किसी के हत्या के षड्यंत्र रच रहे हैं. Therefore repent tonight. इसलिए आज रात मन फिराओ. Turn towards God. परमेश्वर के पास वापस आओ. After some time, कुछ समय के बाद, when the testimonies were called, जब गवाही का वक्त हुआ, one neatly dressed young man came. एक अच्छा वस्त्र पहना हुआ जवान आया. Neatly dressed. और बहुत अच्छे तरीके से लिबास with पहना an innocent face, और बहुत ही एकदम निर्दोष मुख के साथ, he openly confessed to the people, लोगों के सामने उसने खुले अंगीकार किया, I have planned to murder so and so within one month. एक महीने के अंदर फलाने का हत्या का मैं योजना बना रहा था. This night God touched my heart. आज रात परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ. I am going to live a new life. मैं एक नया जीवन जीऊंगा.
Yes, outside man can deceive you. जी हाँ, बाहर से लोग धोखा दे सकते हैं. Our hearts are wicked. हमारा हृदय दुष्ट है. Our hearts are evil. हमारे हृदय बुराई से भरा हुआ है. At the same time, God says. उसी समय परमेश्वर कहता है. Though you are evil people. यद्यपि तुम बुरे लोग हो. Though your heart is full of wickedness. यद्यपि तुम्हारा हृदय बुराई से भरा हुआ है. Still you love to give good gifts to your children. फिर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी भेंट देना चाहते हो. There was a great singer in the United States by name Elvis Presley. यूनाइटेड स्टेट्स में एल्विस प्रेस्ली करके एक मशहूर गायक था. ग्रेट सिंगर, बहुत मशहूर गायक. रॉक एंड रोल सिंगर, रॉक एंड रोल का गायक. हैड अ ग्रेट नेम अमंगस्ट द पीपल, लोगों के बीच में विख्यात था. बट ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन सिनफुल प्लेजर्स, लेकिन सुख विलास और पाप में वो जीवन बिताता था. वाज एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स, बहुत से बातों का आदि हो गया था. But he had a little daughter. लेकिन उसका छोटे से बेटी थी. One day this little daughter asked him. एक दिन ये बेटी ने पूछा. Dad, will you take me to Disney World? पिता जी, तो क्या तुम डिस्नी दुनिया में ले जाओगे? Disney World is a wonderful place where the children have all amusing things. और डिस्नी का दुनिया एक ऐसा मनोरंजन की दुनिया है जहाँ पर बच्चों के लिए सब मनोरंजन उपलब्ध है. नाइस थिंग्स टू प्ले एंड एंजॉय, बहुत अच्छे खेल कूद जिसमें वो खेल सकते, आनंद उठा सकते हैं. बट एल्विस प्रेस्ली वाज शॉक्ड, लेकिन एल्विस प्रेस्ली चकित हो गए. बिकॉज ही वाज सो मच नोन अमंगस्ट द पब्लिक, ही कैन नेवर गो एनीवेयर ओपनली. क्योंकि वो मशहूर हो गए थे, आम तौर से खुले रीति से लोगों के बीच में नहीं जा सकते थे. पीपल विल मॉब हिम, लोग उसको घेर लेते थे. सो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? He called the Disney World people. उसने डिस्नी वर्ल्ड के लोगों को बुलाया. He said, "Sir, what is your income every day?" उन्होंने कहा, श्रीमान, आपकी आमदनी प्रतिदिन का क्या है? They said, "Around $1 million." उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख रुपए. That is equivalent to 4 crores of Indian rupees. 40 लाख रुपए का 4 करोड़ रुपए के बराबर होता है. He asked them, उसने पूछा, "Can you give a holiday for a day to the Disney World if I give you $1 million? अगर मैं ये रकम तुम्हें दूंगा, क्या एक दिन डिस्नी वर्ल्ड के लिए आप छुट्टी कर सकते हैं? They said, of course. उन्होंने कहा, जी हाँ. And they shut the Disney World for the public one day. और पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए डिस्नी वर्ल्ड को एक दिन के लिए बंद कर दिया. He paid $1 million. और उन्होंने $1 million दे दिया. He gave 4 crores of rupees. और उन्होंने 4 करोड़ रुपए दे दिया. Took his little daughter. अपनी छोटी बेटी को ले गया. And made her enjoy. और उसको मनोरंजन करवाया. If you are wicked. अगर तुम बुरे हैं, Still you love to give good gifts to your children. फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो. That is our nature. यही हमारी प्रकृति है. Then God says, और परमेश्वर कहता है, If that be true, अगर ये सच्चा है, How much more will I give good gifts to my people? कितना अधिक मैं अपने लोगों को अच्छी बातें दूंगा. What about God? परमेश्वर के विषय में कैसा? The Bible says in Psalm 119. भजन संहिता 119 के 68 आयत में इस प्रकार लिखा, God is good. परमेश्वर भला है. He does only good things. वो भली बातों को करता है. 1 Timothy 6:17 says. पहला तिमोथियस 6 अध्याय का 17वीं पद में लिखा, He richly gives good things to His people and make them enjoy. और अपने बच्चों को बहुतायत से भली वस्तुओं से तृप्त करके उनको आनंद देता है. In Psalm 34 and verse 10. भजन संहिता 34 के 10वीं पद. Psalm 84 and verse 11. भजन संहिता 84 का 11वीं पद. He will not withhold any good thing from those who love Him. जो उसे प्यार करते हैं, उनसे कोई भली वस्तु वो रख नहीं छोड़ता. He is a giver of good gifts. वो भली भेंटों को देने वाला दाता है. He can give only good gifts to you. वो केवल भली भेंट से आपको तृप्त कर सकता है. Because he is an embodiment of goodness. क्योंकि भलाई का वो प्रतिनिधित्व है. His goodness is so powerful, even evil things can be made good by him. और उसकी भलाई इतना सामर्थ्य है कि बुरी बातें भलाई में उत्पन्न हो जाती है. If you read Deuteronomy 23 and verse 5. अगर व्यवस्था विवरण 23वीं अध्याय 5वीं पद पढ़ेंगे. The Bible says. बाइबल बताती है. When he blesses a person.
जब किसी व्यक्ति को वो आशीष देता है, even the curses in his life would be turned into good. उस व्यक्ति के श्राप भी भलाई में बदल जाती है. John 16:20. योहन्ना 16:20. The Bible says. बाइबल बताती है. Your sorrow can be turned into joy. तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा. Psalm 112 and verse 6 says. भजन संहिता 112 का 6 में लिखा है. Your darkness can be turned into light. तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा. Oh, that is the goodness of God. जी हाँ, वो परमेश्वर की भलाई है. My brother. मेरे भाई. My sister. मेरे बहन. This night. आज रात. Whatever good thing you need to get from God, be ready to receive it. जो कुछ भलाई आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं. Because the Bible says in 1 John 4:8. क्योंकि बाइबल पहले योहन्ना 4:8 में बताती है. God is love. परमेश्वर प्रेम. He loves you. वो आपसे प्यार करता है. Once I heard the life story of a very good man in South Africa. दक्षिण अफ्रीका का एक भला व्यक्ति की गवाही मैंने सुना. He said, because of his goodness, some people hated him. और उस व्यक्ति की भलाई के कारण कुछ लोगों ने उसके प्रति नफरत करने लगे. 9 times in his drink, they mixed poison and gave him. 9 बार जो वो पी रहा था, उसमें जहर मिला के लोगों ने उसको पिलाया. They were waiting to see him fall down and die. वो इस इंतजार में थे कि ये व्यक्ति इसको पीकर मर जाएगा. But nothing happened to him. लेकिन उसके लिए कोई हानि नहीं हुआ. What is the reason? कारण क्या है? He said every time he drinks or eats something, he will say, Lord, thank you for this drink, thank you for these eatables, bless it. और वो व्यक्ति ने गवाही दिया कि जब कभी मैं कुछ खाता था, पीता था, मैं प्रभु से कहता था, प्रभु इस पदार्थ के लिए धन्यवाद, इसको आशीष दे. He said the blessings of God neutralize the poison. और उसने कहा परमेश्वर की आशीष ने विष को नाकामयाब कर दिया. ओ माय ब्रदर. हाँ मेरे भाइयों. ओ माय सिस्टर. जी हाँ मेरे बहनों. एवरी वन ऑफ योर कर्सेस कैन बी मेड बाय द ऑलमाइटी गॉड एज अ ब्लेसिंग. आपका प्रत्येक श्राप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीष में बदलेगा. बिकॉज ही इज गुड. क्योंकि वो भला है. एंड इज अ गिवर ऑफ गुड थिंग. और वो भली बातों को देने वाला दाता है. लेट मी सिंग अ स्मॉल कोरस फॉर यू. एक छोटा कोरस आपके लिए गाऊंगा. कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने अपना ये राज सारा. कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा, दुखियारों के लिए तू सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा, दुखियारों के लिए तू सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा, दर्दों से जो परेशान, दर्दों से जो परेशान, तूने उन्हें पुकारा, तूने उन्हें पुकारा. कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा, फैलाया जग में तूने अपना ये राज सारा. कायम यहोवा तू है, कायम है तख्त तेरा, कायम है तख्त तेरा. गिव अ गुड क्लैप टू अवर यहोवा. प्रभु परमेश्वर को एक थालियों का गड़गड़ाहट करें. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Secondly, the Bible says. दूसरी बात बाइबल बताती है. He can give you anything. वो कुछ भी आपको दे सकता है. Not only good things, but anything that you need. ना केवल भली बातें, लेकिन जो कुछ आपको जरूरत है. Philippians chapter 4 and verse 19 say. फिलिपियों 4 का 19 पद में लिखा है. God shall supply all your need. परमेश्वर आपके हर आवश्यकता का प्रबंध करेगा. Whatever you may need. जो कुछ आपको जरूरत है. He is willing to supply. वो तैयार है प्रबंध के लिए. The Lord Jesus said. प्रभु यीशु ने कहा. In John 14 and verse 14. योहन्ना 14 का 14 में. If you ask me anything. अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे, If you ask me anything in my name, I will do it. अगर मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे, तो मैं वो करूंगा. In John 16:24, योहन्ना 16 का 24, He said, "So far you have not asked me anything." यीशु ने कहा, अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा. Ask. मांगो. You shall receive. तुम प्राप्त करोगे. And your joy shall be full. और तुम्हारा आनंद भरपूर होगा. Anything. कुछ भी. Any need. कुछ भी आवश्यकता. Whatever may be your need. जो कुछ आपकी आवश्यकता हो. Oh my brother. जी हाँ मेरे भाई. My sister. मेरे बहन. You might have come with 1 million needs tonight. आज आप 1 million आवश्यकता के साथ आए हैं. But your heavenly Father stands before you. लेकिन स्वर्गीय पिता आपके सामने खड़ा है. Ephesians chapter 4 and verse 6 says. एफिसियों 4 के में लिखा है. There is only one God. केवल एक परमेश्वर है. One God. एक परमेश्वर. And He the Father of all. और वो सबका पिता है. If there are 100,000 people here. अगर यहाँ पर 10 लाख लोग हैं. He is the Father to everybody. हर एक के लिए वो पिता. Everybody. प्रत्येक के लिए. Everybody. हर एक के लिए. And He is willing to supply every need. और वो प्रत्येक आवश्यकता का प्रबंध करना चाहता है. I am the Lord, the God of all flesh. मैं प्रभु परमेश्वर हूँ सब. Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? Anything? क्या कुछ भी बात? Anything? क्या कोई भी बात? Whatever be your need. जो कुछ आपकी आवश्यकता है. Tell me that. आप बताओ. However difficult it may be. कितना भी वो मुश्किल हो. However great it may be. कितना भी बड़ा हो. I will surely supply it to you. मैं उसका प्रबंध तुम्हारे लिए करूँगा. In Deuteronomy chapter 2 and verse 7. और व्यवस्था विवरण 2 के साथ में. The Bible says. बाइबल बताती है. He was carrying 20 lakhs of people. From one country to another country. एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में 20 लाख लोगों को ले जा रहा था. And you are telling them on their face. और उनके बारे में बता रहा था. These 40 years I have carried you. 40 साल मैंने तुम्हें उठाया. You have never lacked anything. तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं हुआ. You never lacked anything. तुम्हारे जीवन में कोई अभाव नहीं था. Jesus lived in this world. यीशु इस संसार में रहा. For 33.5 years. 33.5 साल के लिए. 3.5 years. He had his disciples with him. 3.5 साल उसके चेले उसके संग थे. As he was leaving this world. जब वो दुनिया से जा रहे थे. He asked his disciples. उसने चेलों से पूछा. These days you are with me. इन दिनों में तुम मेरे संग हो. Did you lack anything? क्या तुम्हारे जीवन में कोई कमी था? Did you lack anything? क्या कोई कमी था? Anything? कोई भी बात? They said. उन्होंने कहा. We never lacked anything. हमारे जीवन में कोई घटी नहीं था. Today we are not having Jesus Christ in flesh with us. और आज यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है. But he is in the spirit with us. लेकिन आत्मा में यहाँ विराज. Matthew 28:20. मत्ती 28:20. He said, "Lo, I am with you always." उसने लिखा, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ. In Acts 4:35. प्रेरितों का काम 4:35. What happened to the first century church? पहली शताब्दी की कलीसिया से क्या हुआ? Bible says. Bible बताती है. They never lacked anything. उनके अंदर कोई कमी नहीं था. None of them lacked anything. उनमें से किसी को कोई कमी नहीं था. I know a friend of mine. मैं एक अपना मित्र को जानता हूँ. He is a very big government official. वो बहुत बड़ा सरकारी पद रखने वाला व्यक्ति. Once he was very sick. एक दिन वो बहुत बीमार था. He was in the hospital for 1.5 years. और 1.5 साल अस्पताल में वो थे. His wife and daughter lived in another city. उसके पत्नी और बेटी एक और शहर में रहते थे. Every weekend they will come. हर सप्ताह के अंत में वो आते थे. Monday morning they will go back. और सोमवार सुबह वो वापस जाते. Because his wife had to work. क्योंकि पत्नी काम करती थी. And the little daughter will have to go to school. और छोटी बेटी को स्कूल जाना था. 1.5 years they were doing this. 1.5 साल वो ऐसे कर रहे थे. There was no sign of his getting well. उसका ठीक होने का कोई भी चिन्ह नहीं था. One Monday morning. एक सोमवार सुबह. When the little girl was about to take leave from her father. जब छोटी बेटी अपने पिता से बाय बाय कह रही थी. She asked him a question. उससे एक सवाल पूछा. Dad.
पिताजी, when will you come home? आप घर कब आएंगे? Dad, पिताजी, when will you come home? आप घर कब आएंगे? He was so nervous. और पिता, so depressed. पिता बहुत निराश हो गए. He told her. उसने बताया. My little daughter. मेरी छोटी बेटी. Why are you asking me? तुम क्यों पूछ रहे हो? Ask the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रिस्त से पूछे. Ask him to send me home. प्रभु से पूछे मुझे भेजेगा. And I will come home. और मैं घर आऊंगा. Without thinking for a moment. और बिना सोचे हुए एक क्षण. This little girl knelt down by his side. ये छोटी बेटी उसके बिस्तर के पास घुटने. Cried out to God. और प्रभु को पुकारने लग गई. She cried out to God. वो प्रभु को पुकारने लग गई. She said, Lord Jesus. उसने कहा प्रभु यीशु. I want my daddy. मुझे अपना पिताजी चाहिए. I want my daddy. मुझे पिताजी चाहिए. Send him back to me. वापस उसको भेज मेरे पास. Send him back to me. मेरे पास वापस भेज. I want my dad. मुझे डैडी चाहिए. When she cried, जब वो रोने लग गए, everybody cried. सब लोग रोने लगे. Everybody thought that this is all. सब लोगों ने सोचा कि समाप्त हो गया. But God heard from heaven. लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से सुना. He heard her cry. उसने पुकार सुना. Lo and behold. और देखो. Within a month. एक ही महीने के अंदर. 100% he was healed. एकदम 100% वो चंगे हो गए. And he was sent. और वो वापस भेजे गए. Oh, he came home. वो घर आए. 100% well. एकदम तंदुरुस्त. Oh, my precious brother and sister. मेरे अजीज भाइयों बहनों. Anything. कुछ भी. Anything. कुछ भी. Anything. कुछ भी. Anything. कुछ भी. It is his will that none of you should go with a single need. उसके यही मनसा है कि आप में से कोई भी किसी जरूरत के साथ वापस न जाएं. Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. Oh, he loves you. जी हाँ, वो आपसे प्यार करता है. He loved that little girl. वो छोटी बेटी से प्यार करता था. Supplied that need. उस आवश्यकता का प्रबंध किया. He will supply your need. आपकी आवश्यकता का पूरा करे. Let me sing a chorus for you. मैं आपके लिए कोरस गाऊंगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. 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 सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है
वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, वो आपसे प्यार करता है। बेटर क्लैप टू जीसस। और अच्छी ताली प्रभु के लिए बजाएं। Oh my precious brothers and sisters. जी हाँ मेरे अजीज भाइयों बहनों। Look at this great God. इस महान परमेश्वर को देखो। He came into this world. वो इस पृथ्वी पर आया। God is a great God. परमेश्वर महान परमेश्वर। Acts 7:49 says. प्रेरितों का काम 7 का 49 में लिखा है। Isaiah 66:1 says. यशायाह 66 का 1 में लिखा है। He is a great person. वो महान परमेश्वर है। Heaven is his throne. और स्वर्ग उसका सिंहासन है। Earth is his footstool. पृथ्वी उसका चौकी है। Great person. महान व्यक्ति। And he came down into this world in the form of a man. मनुष्य का रूप लेके इस पृथ्वी पर वो आया। 1 Timothy 3:16 tells us so. पहला तिमोथियुस 3:16 में ऐसा लिखा है। Matthew 1:23 tells us so. मत्ती 1:23 में ऐसे है। The Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर, came into this world, इस पृथ्वी पर आया, in the form of a person, एक व्यक्ति के रूप में, so that he can know what we and I are going through in this world. ताकि वो जान सके कि मेरा और आपका अनुभव इस संसार में कैसे है। He went through every agony. वो सब पीड़ा से गुजरा। Every sickness. सब बीमारी से। Every sorrow. सब दुख was से। Was laid upon him. उसके ऊपर लादा गया। He went through poverty. वो कंगालपन से गुजरा। 2 Corinthians 8:9 tells us so. दूसरा कुरिन्थी 8:9 में ये लिखा है। So he knows your sorrow. वो आपके दुख को जानता है। He knows your need today. आपकी आवश्यकता को जानता है। He went through every one of them. वो हर एक जरूरत से वो गुजरा। But then. लेकिन, he did great things to everyone who came to him. लेकिन जो कोई उसके पास आए उनके लिए महान काम किया। No one who came to him received nothing. और कोई भी जो उसके पास आया खाली नहीं गया। They got everything and anything. और उनको सब कुछ और हर बात मिला। And he did great things for them. और उनके लिए महान काम किया। The Bible says in Mark 3:8-9. मरकुस 3 का 8 और 9 में बाइबल बताती है। People heard this about him. लोगों ने इस के बारे में सुना। Here is the son of a carpenter. और ये जो बड़ाई का पुत्र है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। But he does great things for the people. लेकिन लोगों के लिए वो बड़े-बड़े काम करता है। One day a sinful woman came running to him. एक दिन एक सामान्य स्त्री उसके पास दौड़ के आई। Luke 7:38-39 says. लूका 7 का 13 और 39 पद में लिखा है। A person known for her sin. और एक व्यक्ति जो पाप She के लिए जानी जाती है, उसके पांव पर गिर गई, drenched his feet with the tears. और उसके पांव को आंसू से धोया। He said, उसने कहा, I know your burden. मैं तेरे बोझ को जानता हूँ। Psalm 38:4 says, भजन संहिता 38:4 में लिखा है, Sin is a burden. पाप एक बोझ है। Burden that goes on accumulating. ऐसा बोझ जो बढ़ते जाता है। He said, my daughter. और उसने कहा मेरी बेटी। Your sins are forgiven and removed forever. तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, हमेशा के लिए दूर किए गए। The greatest thing that can happen to a man is to get For him to get rid of his sin. सबसे बड़ा काम एक व्यक्ति के लिए जो हो सकता है पाप से छुटकारा। Proverbs 5:22 says. नीति वचन 5:22 में लिखा। Sin will bind the person. पाप एक व्यक्ति को बांध देता है। 13:21 says. 13:21 में लिखा है। It will follow him. और वो उसके पीछे हो लेता है। Numbers 32:23 says. गिनती 32:23 में लिखा। It will hunt for him. और उसका वो ताक में लगता है। No man can Do sin and yet live happily. कोई भी व्यक्ति पाप करके खुशी का जीवन नहीं बिता सकता। But the Lord Jesus said, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, I am forgiving you. मैं तुम्हें क्षमा देता हूँ। I am removing it forever. मैं हमेशा हटा देता हूँ। Great things he did for that woman. उसने उस स्त्री के लिए महान काम किया। He removed the greatest burden from her life. सबसे बड़ा बोझ जीवन से हटा दिया। If you read Mark 5:19-20, अगर मरकुस 5:19-20 पढ़ेंगे, There was a man who was bound with 2,000 demon powers. एक व्यक्ति था जो 2,000 दुष्टात्माओं से पीड़ित था। Nobody could deliver him. कोई उसको छुड़ा नहीं सकता था। But with one word, the Lord Jesus Christ cast them out. लेकिन एक शब्द से प्रभु यीशु ने उनको निकाल दिया। And told him. और उसको बताया। My son. मेरा बेटा। God has done great things for you. परमेश्वर ने तेरे लिए महान काम किया। Great things you have received. बड़े बातों तूने प्राप्त किया। Go and tell the whole world about it. जाके अपने दुनिया को बताओ। Yes, he did mighty and great things. जी हाँ, उसने सामर्थी पराक्रमी काम किया। The Bible says in John 20:30. बाइबल बताती है यूहन्ना 20:13 पद। 21:25. 21 का 25 पद। If all the miracles and great things he performed were to be written in books, The whole world cannot accommodate those books. अगर यीशु मसीह के किए हुए बड़े-बड़े काम और चमत्कार को किताबों में लिखे तो दुनिया में किताब रखने की जगह नहीं होगा।
Job chapter 5 and verse 9 says. यो आयुब 5 के 9 पद में लिखा है. Job 9 and verse 10 says. आयुब 9 के 10 में लिखा है. He God does great things past finding out. और परमेश्वर के काम इतने महान है वो बखान से बाहर है. Wonder without number. ऐसे आश्चर्य कर जिसका गिनती नहीं हो सकता. God is a miracle worker. प्रभु चमत्कार करने वाला. There lived a historian by name Josephus that time. और उस समय एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम योसेफस था. Israel was ruled by the Roman emperor. और उस समय इसराइल का देश रोमी साम्राज्य के नीचे था. This Josephus wrote a letter to the king of Rome. और योसेफस इतिहासकार रोम के सम्राट के लिए एक चिट्ठी लिखता है. This letter says like this. ये चिट्ठी में इस प्रकार लिखा है. O mighty emperor. हे सामर्थी सम्राट. The latest attraction for the people is a carpenter's son. और अभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु एक बढ़ाई का बेटा है. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु. And this man, when he speaks, he enthralls thousands of people. और जब ये व्यक्ति बोलता है तो हजारों की तादाद में लोग आकर्षित हो जाते. They come from all over the country to listen to him. वो देश भर से एकत्रित होते उससे सुनने के लिए. Sometimes 3 days continuously he has spoken. कभी कभी 3 दिन लगातार वो प्रवचन देते हैं. Still people will not leave him. फिर भी लोग उसको छोड़ के नहीं जाते हैं. He commands the evil spirits to leave. वो दुष्ट आत्माओं को हुक्म देते हैं जाने के लिए. They scream and leave. चिल्लाकर निकल जाते हैं. He lays his hands upon the sick people. वो बीमारों पर अपना हाथ रखते हैं. Even leprosy leaves. और खोड़ भी शुद्ध हो जाता है. He goes to the sepulchres. और वो कब्रों में जाता है. He goes to the cemetery. और वो कब्रिस्तान में जाता है. And he calls the dead to life. और वो मृतकों को जीवन में बुलाता है. Oh, he does great things. जी हाँ, वो बड़े-बड़े काम करता है. The whole country is going after him. पूरा देश उसके पीछे हो लिया. Yes, God is a great God. जी हाँ, परमेश्वर महान है. Greater than all our problems. हमारे समस्याओं से भी महान है. All our sicknesses. हमारे बीमारी से बढ़कर. All the witchcraft power. हमारे जादू टोना के सामर्थ्य से बढ़कर. All the demons put together. हर एक दुष्टात्मा के संख्या से बढ़कर. All griefs and sorrows. हर एक दुख और पाप से बढ़कर. God is greater. परमेश्वर महान है. God is greater. परमेश्वर बढ़कर है. God is greater. परमेश्वर बढ़कर है. God is greater. परमेश्वर महान है. Will you say that with me? क्या मेरे पीछे आप बोलेंगे? God is greater. परमेश्वर महान है. God is greater. परमेश्वर महान है. God is greater. परमेश्वर महान है. And he will do great things for me. और मेरे लिए बड़ा काम करेगा. Expect a miracle for you. एक चमत्कार की प्रतीक्षा करें. आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी है. आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी है. अपनी आंखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें. अपनी आंखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले. यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. Hallelujah! Hallelujah! Let us give a better clap to Jesus. प्रभु के लिए हम ताली बजाएं. He loves you. वो आपसे प्यार करता है. He loves you. वो आपसे प्यार करता है. Hallelujah! 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 And finally, और अंत में, Jesus said,
यीशु ने कहा इन जॉन 15:13 योहन्ना 15 के 13 में ग्रेटर लव नो मैन हैज देन टू गिव हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड इससे बढ़कर प्रेम और नहीं है कि अपने मित्रों के लिए अपना जीवन दे दे ग्रेटर लव नो वन हैज except to give his life for his friend isse badhkar aur koi prem vyakti kar sakta hai ki apne mitron ke liye apna pran de de and in john 10 and verse 18 he said yohanna 10 ke 18 mein usne kaha I give my life for you main apna jeevan tumhare liye deta hu I give my life for everyone main har ek ke liye apna jeevan deta hu now listen to me carefully aap meri baaton ko dhyan se suniye in a short while we are going to pray kuch hi samay mein hum prarthna karenge he said usne kaha is the greatest thing a person can do aur sab सबसे बड़ी बात एक व्यक्ति कर सकता है। This is greatest gift I can give you. ये सबसे बड़ा दान है जो तुम्हें दे सकता है। Greater love than this no man has. इससे बढ़कर प्रेम और नहीं है। Except to lay down his life for his friend. कि अपने मित्र के लिए अपना जान दे दे। And he did it. और उसने वो किया। And he did it. और उसने किया। On the cross. कालवरी क्रूस पर his life for you and for me. आपके लिए मेरे लिए अपना प्राण दे दिया Hebrews chapter 2 and verse 9 says, इब्रानी 2 के 9 में लिखा है He tasted death for everyone. उसने हर एक के लिए मृत्यु को चख लिया death for everyone. हर एक के लिए मृत्यु चख लिया Because he is the father of all. क्योंकि वो सबका पिता है As I said in Ephesians 4:6 जैसे मैंने एफिसियो 4 के 6 There is one God. एक परमेश्वर है And he is the father of all. और वो सबका पिता है He said, I love my children. उसने कहा मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ बच्चों से प्यार करता Let me show my love. मैं अपने प्यार व्यक्त करूंगा Let me give my life for them. मैं अपना जीवन उनके लिए दे दूंगा He did not die accidentally. और उसने दुर्घटना से नहीं मृत्यु हुआ He purposely gave his life. लेकिन लक्ष्य से जीवन को डेला Galatians chapter 2 and verse 20. गलातियों 2 का 20वीं पद The Bible says. बाइबल बताती है He loved me. उसने मुझसे प्यार and किया gave himself for me. और अपने आप को मेरे लिए दे दिया Saint Paul says that. प्रेरित पौलुस कहता है Jesus loved me. यीशु ने मुझसे and प्यार gave himself for me. और अपने आप को मेरे लिए oh, दे दिया my brother, जी हाँ मेरे भाई my sister, मेरे बहन don't feel lonely. आप अकेला महसूस ना don't करें. Say I'm an orphan. आप ना कहे मैं अनाथ हूँ. My father died. मेरा पिता मर गया. My mother died. मेरे बाप मर गए. No, he said. नहीं वो कहता I am your father. मैं तुम्हारा पिता हूँ. I am your mother. मैं तुम्हारी माँ हूँ. I will take care of you. मैं तुम्हें I love you more than anyone in this world. और संसार के और लोगों से अधिक तुमसे प्यार करता हूँ. I have exhibited my love on the cross. मैंने क्रूस पर अपना प्रेम दर्शाया. I have said this story millions of times. मैंने इस कहानी को हजारों बार बताया है. In a particular city, there was a very strict police officer. एक विशेष नगर में एक बहुत ही सख्त पुलिस अफसर थे. Because of his alertness. There was no crime in the city. क्योंकि वो बहुत ही सतर्क थे शहर में कोई अपराध नहीं होता था No burglary. कोई भी चोरी नहीं No killing. कोई भी हत्या No नहीं murder. कोई हत्या नहीं One day. एक दिन Several killings were reported. बहुत ही हत्याओं का खबर मिला Many crimes were reported. बहुत अपराधों की सूचना मिला He was very upset. वो बहुत खेदित था And he began to prowl for the culprit. और वो अपराधियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा One day. एक दिन as there was a crime being committed in a home he went there एक घर में जब अपराध हो रहा था वहां पर पहुंच गया and he caught hold of the culprit और उसने उस अपराधी को पकड़ लिया he was shocked एकदम वो आतंकित हो he was shocked एकदम आतंकित हो गया he was shocked because it was his own only son और वो आतंकित हो गया क्योंकि जो अपराधी को पकड़ा वो उसका बेटा था His only son. उसका इकलौता बेटा था He has only been doing all his atrocities. और उसका पुत्र इस प्रकार का अपराध कर रहा था And he drew his gun. और उसने अपने बंदूक को उठाया And said, son, you must die. और उसने कहा बेटा तुझे मरना है I must get rid of you. मुझे तुझे खत्म करना है He pleaded with his dad. उसने अपने पिता से विनती किया Father, पिताजी give me this one chance. मुझे एक मौका और दे this one time you forgive me. एक समय तो मुझे क्षमा करो. Let me go. मुझे जाने दो. I promise you. मैं वायदा करता हूँ. I will never and never do this again. मैं कभी भी ये अपराध नहीं करूंगा. The police officer thought. पुलिस अफसर ने सोचा One side the people who are wrong. एक तरह अपराध के को सहने वाले लोग One side is only son. एक तरफ उसका इकलौता बेटा How to kill him? कैसे उसको मार डालेंगे And how not to obey the law? और कैसे व्यवस्था का पालन नहीं करना He took his gun. उसने अपना बंदूक लिया And his son pleaded. और उसका बेटा ने पुकारा Dad, don't shoot.
पिता गोली मत चलाओ, डोंट शूट, गोली ना चलाओ। He knew his father was a straightforward officer. और वो जानता था कि उसका पिताजी ईमानदार ऑफिसर था। He will surely shoot him down. वो निश्चित तौर से गोली से मार डालेगा। He screamed. वो चिल्ला उठा, Dad, पिताजी, don't shoot me. तो मुझे गोली मत मारो। Out of fear, he closed his eyes. और भय से आंखों को बंद कर दिया। Suddenly he heard. एकदम उसने सुना। The shot coming out of the gun. एक बंदूक की आवाज, उसने गोली निकलने की आवाज सुना। He thought he is going to be finished. उसने सोचा मैं खत्म हो गया। His father has shot him. उसके पिता ने उसको गोली मार दिया। Slowly he opened his eyes. धीरे से आंख खोला। What has happened? क्या हुआ? His father has shot himself. उसके पिता ने अपने आप ऊपर गोली चलाया। He shot himself. अपने ऊपर गोली चलाया। Let the law be fulfilled. ताकि व्यवस्था का पूर्ति हो। On the other side, let my son live. दूसरे तरफ मेरा बेटा आजाद हो जाए। Let me die. मुझे मरने दो। Let me die. मुझे मरने दो। That's the love of a father. यही पिता का प्रेम है। That is the love of a father. यही पिता का प्रेम। Lord, you gave your life for me on the cross. प्रभु क्रूस पर तूने अपना जीवन मेरे लिए दिया। Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। I have no peace in my heart. मेरे हृदय में शांति नहीं है। No peace. शांति नहीं है। No peace. शांति नहीं है। The evil treasure that I have accumulated through my sinful life. Is bothering me every day. जो पाप में जीवन से मैंने धन कमाया है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। Isaiah 48:22 says. यशायाह 48 के 24 में लिखा है। There is no peace for the wicked. दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं। No. नहीं। Until you have somebody else's property. जब तक आपके पास दूसरे का संपत्ति है। Until you have the stolen property. जब तक आपके पास चुराए हुए संपत्ति। Stolen jewels. सो चुराए हुए आभूषण। You will never be able to sleep properly. आप कभी भी चैन का नींद नहीं सोएंगे। That is why people try to drown this conviction in their hearts by drinking. और इसलिए drinking. शराब पीते पीते इस प्रकार का दोष को वो दबाना चाहते हैं। Some go to drugs. कुछ लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। evil pleasure. कुछ लोग बुरी अभिलाषाओं में दौड़ते हैं। To drown the conviction. कि इस प्रकार का पाप का बोध को डुबा डालें। Their own conscience will prick them. उनका शब्द विवेक उनका बोध करता है। Romans 8:32 says. रोमी 8:32 में लिखा है। If he can give his own life for us. अगर उसने अपना निज पुत्र हमारे लिए दिया। Will he not give us all the other things to enjoy? क्या शेष भागे हमारे आनंद के लिए नहीं देगा? He will give. जी हाँ वो देगा। He will give. जी हाँ वो देगा। He will give. वो हाथ देगा। He is ready to forgive us. वो तैयार है क्षमा देने के लिए। Ready to bless us tonight. हमें आज रात आशीष देने के लिए। Ready to do miracles for us. चमत्कार करने के लिए तैयार है। Ready to give us good things. अच्छी बातों को देना तैयार है। To give any need. कोई भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार। Ready to do great miracles. महान चमत्कार करने के लिए तैयार है। अभी। Now. अभी। But the whole thing is in your hands. लेकिन सब आपके हाथों में है। Give your heart to him. अपना हृदय उसको दे दे। Ask him to clean up your life. मांगे कि आपके जीवन को धो डाले। Ask him to clean up your heart. प्रभु से कहे आपके हृदय को शुद्ध करे। Clean up your life. आपके जीवन को शुद्ध करे। Let not your sins be a blockade. For you to receive God's blessing. पाप आपके लिए परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए रुकावट ना बने। First we are going to cry out for ourselves. सबसे पहले हम पापों के लिए प्रभु से पुकारेंगे। We are going to ask him to forgive us. हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। Lord forgive me. प्रभु क्षमा करे। Jesus forgive me. यीशु क्षमा करे। I want my body to be healed. प्रभु मेरे शरीर में चंगाई चाहिए। I want my financial problems to go. प्रभु मेरे आर्थिक समस्या से छुटकारा चाहिए। I want the demon powers to leave me. प्रभु दुष्टात्माएं मुझे छोड़ के चली जाए। Lord, clean up my life. प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर। Clean up my life. मेरे जीवन को शुद्ध कर। Oh, he will clean up now. जी हाँ वो शुद्ध करेगा। Shall we look to God now? आइए हम प्रभु को प्रार्थना में देखें। Oh, let us look to God. आइए प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। Oh, look to God now. परमेश्वर की ओर देखें। Jesus Christ is here. यीशु क्रिस्त यहाँ है। Oh, call unto him. उसको पुकारे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, forgive my sin. मेरे पाप क्षमा कर। Forgive my sin. मेरे पाप क्षमा कर। He that hides his sins shall not prosper. जो अपने पाप को ढांपता है वो उन्नति नहीं पाएगा। He who covers his sin shall not prosper. जो अपने पाप को ढांपता है वो उन्नति नहीं पाता। She that covers her sins shall not prosper. और वो जो अपने पाप को ढांपता है वो उन्नति नहीं पाएगा। But those who confess and leave them shall prosper. लेकिन जो पापों को अंगीकार करके छोड़ते हैं वो उन्नति पाएंगे। Cry out my brother. मेरे भाई पुकारे। Cry out my sister. मेरे बहन पुकारे। I am going to give you just 2 minutes. मैं केवल 2 मिनट आपको दूंगा। Clean up your life. आपके जीवन को शुद्ध करें। Clean up your life. जीवन को शुद्ध करें। Lord Jesus is here. प्रभु यीशु
यीशु यहाँ है. The mighty Holy Spirit is here. सामर्थी पवित्र आत्मा है. He knows all about you. वो आपके इर्द-गिर्द है. Nothing can be hidden before him. कुछ भी उसके सामने से छिपा नहीं. If you robbed somebody's property, tell him so. अगर किसी का संपत्ति आपने चुराया, अंगीकार करें. You have practiced adultery and fornication. Tell him so. अगर व्यभिचार और कुकर्म आपने किया, उसको बताएं. If you destroyed your body through alcohol, tell him so. अगर आपने अपने शरीर को शराब से नष्ट किया, उसको बोले. If you have been a deceiver, tell him so. अगर आप धोखा देने वाले हैं, तो उसको बताएं. He is willing to forgive you. वो तैयार है आपको क्षमा करने के लिए. Oh, willing to completely transform you. Oh, वो आपको पूरी तौर से बदलना चाहता है. He is calling you now. वो आपको बुला रहा है. He is calling you now. वो अभी बुला रहा है. He is calling you now. अभी बुला रहा है. Wherever you may be. जहां कहीं आप हैं. Cry unto him now. प्रभु को पुकारें. 2 minutes I am going to give you. 2 मिनट मैं दूंगा. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने. यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. Tell him. उससे बोले. Tell him. उसको बताए. Dad. पिता. I need your forgiveness. मुझे तेरी क्षमा की जरूरत. Dad, I need your forgiveness. पिता तेरी क्षमा की जरूरत. Let him take over our life. वो हमारे जीवन को ले ले. Take over our soul. हमारे प्राण को ले ले. Let him keep us holy. और वो हमें पवित्र रखे. Let him wash us with his own blood. वो खुद अपने लहू से हमें धो दे. Let him send his Holy Spirit to make us holy. वो खुद अपने पवित्र आत्मा भेजकर हमें पवित्र करे. Those who really want to hand over your life to him. जो सचमुच अपना जीवन प्रभु को सौंप चाहते. Will you stand up wherever you are? कृपया आप जहां कहीं हैं आप खड़े हो जाएं. Wherever you are. जहां कहीं आप हैं. Stand up. खड़े हो जाएं. And cry to him. और प्रभु को पुकारें. Dad. पिता. Take my life in your hand. मेरे जीवन को तेरे हाथों में ले ले. Take my life in your hand. मेरे जीवन को तेरे हाथों में ले ले. And bless me. और मुझे आशीष दे. Lord, bless me. प्रभु मुझे आशीष दे. Clean up my life. मेरे जीवन को भर दे. Let every sin go. हर पाप दूर हो जाए. Every sin go. हर एक पाप दूर हो जाए. Let every sin go. होने दे हर पाप दूर हो जाए. Let every addiction go. हर एक आदिपद दूर हो जाए. Let every alcohol go. हर एक शराब दूर हो जाए. Every gambling go. हर एक जुआबाजी दूर हो जाए. Every spirit of murder go. हर एक हत्या की आत्मा दूर हो जाए. स्पिरिट ऑफ स्टीलिंग गो. चोरी की आत्मा दूर हो जाए. क्राई आउट टू गॉड. प्रभु को पुकारे. His mighty presence is around you. उसका सामर्थ्य उपस्थिति आपके पास है. Let us do the first things first. पहली बात प्रथम करे. लेट नॉट अवर सिंस ब्लॉक द वे. और बार बार का रुकावट पापों से ना हो. गॉड कैनॉट ब्लेस अस अनटिल वी हैव सिन इन आवर लाइफ. जब तक हमारे जीवन में पाप है, परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता. अनटिल वी डिस्ट्रॉय अवर बॉडी with all kinds of evil things, he cannot heal us. जब तक हम बुराई से शरीर को नष्ट करते हैं, प्रभु चंगाई नहीं दे सकता है. You cannot drink and expect him to heal you. आप शराब पीकर चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं. You cannot be under the influence of drugs all the time and ask him to heal your body. नशीले पदार्थ के अधीन रहकर चंगाई के लिए नहीं मांग सकते हैं. You cannot be all the time committing adultery and expect him to keep in good health. आप व्यभिचार करके अच्छा तंदुरुस्ती उससे नहीं मांग सकते. Cry out, my brother.
भाइयों उसे पुकारो. Cry out my sister. मेरे बहन उसे पुकारो. Cry out my young children. मेरे जवान बच्चों पुकारो. Cry out my young grandchildren. मेरे जवान दाती पोतो चिल्लाओ. पुकारो. Cry out. पुकारो. Let the sins go. आपके पाप दूर हो जाए. Let the addictions go. नशीले आदत दूर हो जाए. Let every evil thing go. हर बुरी बातें दूर हो जाए. Let God's blood make us holy. परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करे. Let God's blood make us holy. परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करे. Let the spirit of God come. परमेश्वर की आत्मा आए. Let the spirit of God destroy every root of sin. और परमेश्वर की आत्मा हर पाप के जड़ से खत्म करे. He will change you now. वो आपको अभी बदलेगा. He will change you now. अभी बदलेगा. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Let us pray for demon possessed people. दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें. People who are under the power of witchcraft. जो जादू टोना के प्रभाव में. Every evil spirit will leave now. हर एक दुष्ट आत्मा निकलेगा. Every witchcraft power shall go. हर एक जादू टोना की आत्मा दूर होगा. Every bondage shall go. हर एक बंधन निकलेगा. When they go. जब वो जाएगा. Now you will see the boils in your body disappearing. आप अपने शरीर के फूसी फोड़े को खत्म होते देखेंगे. You will see the stiff joints in your body released. आपके सख्त जोड़ों को हल्का होते हुए देखेंगे. Oh, the blindness in your eyes to go. आंखों के अंधापन दूर होगा. They are the ones who are creating problems. और वही उसी से समस्याएं उत्पन्न होती है. Lord Jesus Christ is determined to cast them away. प्रभु यीशु मसीह निश्चित है कि उसको निकालेगा. Are you ready now? क्या आप तैयार हैं अभी? Put your hand up or put your hand on your chest. आपके हाथ उठाए या छाती पर रखे. Some live in homes which are haunted. कुछ लोग ऐसे घर में रहते हैं जहां पर जादू टोना की सामर्थ है. Some are praying for your loved ones back at home. कुछ लोग अपने अजीजों के लिए जो घर में प्रार्थना कर रहे हैं. When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, He will descend upon your home also. वो आपके घर पर भी उतर आएगा. Are you ready? क्या आप तैयार? Here comes the Holy Spirit. पवित्र आत्मा यहाँ आता है. Here comes the mighty anointing from heaven. स्वर्ग से सामर्थी अभिषेक उतरता है. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you my Lord. धन्यवाद मेरा प्रभु. Thank you my Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. You said. तूने कहा, In my name, मेरे नाम में, you shall cast out the demon. तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे. So in the blessed name of our Lord Jesus, यीशु मसीह के आशीषित नाम में, I cast out every demonic power. मैं हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल देता. Every witchcraft power to go. हर एक जादू टोना की आत्मा दूर हो जाए. In the name of Jesus Christ our Lord, यीशु नासरी जो हमारा प्रभु उसके नाम में, the resurrected Lord, पुनरुत्थान पाया हुआ मसीह, the risen Lord, पुनर्जीवित उठा प्रभु, the living God, जीवित प्रभु, I command every evil power to go. मैं हुकुम देता हूं दुष्ट आत्मा निकल जाए. God is casting out this evil power. और प्रभु दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है. Every demonic power I command you to go in the name of Jesus. हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु के नाम में निकलने का हुकुम देता हूं. For the glory of Jesus Christ I cast you out. यीशु की महिमा के लिए तुम्हें निकालता हूं. You sickness making demon. तू बीमारी उत्पन्न करने वाले दुष्ट आत्मा. You infirmity making demon. दुर्बलता लाने वाले दुष्ट आत्मा. Take the infirmity and sickness you are creating and go. निर्बलता और बीमारी को लेकर तो निकल जा. Lord let every tumor go. प्रभु हर एक गांठ दूर हो जाए. Every cancer go. हर एक कैंसर दूर हो जाए. Every blood cancer go. हर एक ब्लड कैंसर दूर हो जाए. Every blood clot go. हर एक ब्लड क्लॉट दूर हो जाए. Let every infirmity go. हर एक दुर्बलता दूर हो जाए. In the name of my Lord Jesus. मेरे प्रभु यीशु के नाम में. Lord I curse them forever. प्रभु हमेशा के लिए उनको श्राप देता हूं. I curse them forever. हमेशा के लिए श्राप देता हूं. I curse them forever. प्रभु उनको हमेशा के लिए श्राप देता हूँ. रिलीज एवरी लिम. हर एक अंग को आजाद करे. रिलीज एवरी हैंड. हर एक हाथ को आजाद करे. रिलीज एवरी आई. हर एक आंख को आजाद करे. रिलीव एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी. हर एक शरीर के अंग को आजाद करे. सेट देम फ्री. उनको आजाद करे. सेट देम फ्री. आजाद करे. सेट देम फ्री. आजाद करे. सेट देम फ्री. आजाद करे. लॉर्ड लेट देम एंजॉय गुड हेल्थ फ्रॉम टुडे. प्रभु तंदुरुस्ती को चखने पाए. लेट देम एंजॉय गुड हेल्थ फ्रॉम टुडे. प्रभु आज से तंदुरुस्त रहे. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु. थैंक यू लॉर्ड.